revision of chapter number 17, Natural Resources. Clear everyone? Students, in this chapter, first we will do the revision of define the given terms. Okay? बच्चों, इस chapter में सबसे पहले हम लोग define the given terms का revision करेंगे. Clear? So, our first term is Natural Resources. Now, what is Natural Resources? Natural Resources क्या है? Students, its Hindi meaning is प्राकृतिक संसाधन. क्लियर एवरीवन? द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट मेड बाय मैन. बच्चों, वह रिसोर्सेज जो मैन यानी कि मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. क्लियर एवरीवन? या तो बच्चों, इसके प्लेस पे हम ये कह सकते हैं दैट द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है बच्चों, वे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जांपल, सॉइल, फ्यूल एंड प्लांट्स. ठीक है बच्चों, ये सारे रिसोर्सेस जो हमारे उपयोग में आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेचुरल रिसोर्सेस. इसलिए बच्चों, हम इसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, ये रिसोर्सेस मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते. ओके, आवर नेक्स्ट की टर्म इज सॉइल. सॉइल यानी कि मिट्टी. नाउ व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल. बच्चों, भूपरपट्टी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेस और सॉइल को डिफाइन करने के लिए दूं, तब भी आप यही आंसर लिखोगे. अगर मैं क्वेश्चन करूं दैट व्हाट इज सॉइल या व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेस, तो भी आप यही आंसर लिखोगे जो मैंने यहां बोर्ड पर राइट किया है. क्लियर एवरीवन? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर. ठीक है, पानी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं या क्या हैं? ठीक है, सो इट्स आंसर इज द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर आर ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स. ओके बच्चों, ओशंस का मीन्स होता है महासागर, सीज इट मीन्स समुद्र, रिवर्स इट मीन्स नदियां, लेक्स यानी कि झील एंड पॉन्ड्स यानी कि तालाब. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये सभी क्या है? पानी के विभिन्न स्रोत हैं, जहां से हमें पानी प्राप्त होता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. क्लियर एवरीवन? बच्चों, यहां पर जितने भी क्वेश्चन गिवन है, आपको सारे क्वेश्चंस के लिए ओनली वन वर्ड में आंसर देना है. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सॉइल इज मेड अप ऑफ बिगर सॉइल पार्टिकल्स. बच्चों, किस प्रकार की सॉइल बिगर सॉइल पार्टिकल से यानी कि बड़े मिट्टी के कणों से मिलकर बने होते हैं? सो इट्स आंसर इज सैंडी सॉइल. क्लियर एवरीवन? सैंडी सॉइल इट मींस बलुई मिट्टी. क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. बच्चों, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? सो इट्स आंसर इज ऑक्सीजन गैस. क्लियर बच्चों, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? यस, ऑक्सीजन गैस. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज व्हिच गैस इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. स्टूडेंट्स, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? सो इट्स आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क ऑल्सो. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर रिविजन कॉपी. ठीक है बच्चों, ये वर्क आपको अपनी रिविजन कॉपी में राइट करना है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिव रीजंस. ओके बच्चों, यहाँ पर टू स्टेटमेंट्स गिवन है जिसके लिए आपको रीजंस प्रोवाइड करना है. ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है बच्चों, ह्यूमस प्लांट ग्रोथ के लिए यानी कि प्लांट के बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. क्यों? सो इट्स आंसर इज ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज इट मेक्स सॉइल वेरी फर्टाइल. ठीक है बच्चों,
ह्यूमस प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सॉइल को बहुत अधिक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। क्लियर एवरीवन? बच्चों फर्टाइल को हम हिंदी में उपजाऊ कहते हैं। स्टूडेंट्स ह्यूमस सॉइल को बहुत अधिक फर्टाइल बनाते हैं, दैट्स व्हाई ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। क्लियर? इसलिए बच्चों ह्यूमस प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे लर्न कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको पूरा स्टेटमेंट सही लिख लेना है, दैट ह्यूमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट आपको ओनली वन लाइन लर्न करनी है, दैट बिकॉज इट मेक्स सॉइल वेरी फर्टाइल। ठीक है, क्योंकि यह सॉइल को बहुत अधिक फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी नीड एयर, हमें एयर की आवश्यकता होती है। क्यों? सो इट्स आंसर इज वी नीड एयर टू ब्रेथ। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। ओके, इसे बच्चों लर्न करना बहुत इजी है, आपको स्टेटमेंट से पहले लिख लेना है दैट वी नीड एयर, और आपको सिर्फ टू वर्ड्स लर्न करने हैं, टू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? दिस इज आल्सो योर क्लास वर्क, ये भी बच्चों आपका क्लास वर्क है जिसे आपको अपनी रिविजन कॉपी में राइट करना है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। स्टूडेंट्स दिस इज योर होमवर्क, दैट टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पेज नंबर 132 इन योर होमवर्क कॉपी। ओके बच्चों, आपको अपनी बुक से पेज नंबर 132 पर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है उसे आपको अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है, एज वेल एज उसे लर्न भी करना है। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू।